गुड मॉर्निंग स्ट्रेंड्स, हाउ इज़ यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल. डियर स्ट्रेंड्स, अप टू नाउ वी हैव कम्प्लीटेड द रीडिंग ऑफ द पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 7 सेलिब्रेटिंग नवरोज. ओके डियर स्ट्रेंड्स, अब तक हमने पार्ट नंबर 2 में रीड किया कि जो नवरोज है ये फेस्टिवल 21st ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. कब? 21st ऑफ मार्च को. ओके और नवरोज मीन्स होता है न्यू डे. ओके नवरोज जो है ये फेस्टिवल जो पार्सियन कैलेंडर होता है उसके न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता है. ओके और न्यू ईयर के दिन जमशेद जी नेम के पर्सियन किंग थे जो अपने थ्रोन पे मींस की अपने सिंहासन पे बैठे थे. फिर डियर स्ट्रेंड्स, हमने पार्ट नंबर 2 में रीड किया था कि जो नवरोज फेस्टिवल है इस दिन क्या होता है, घर को बहुत क्लीन रखा जाता है, घर को डेकोरेट किया जाता है जैस्मिन एंड रोजेस के साथ, और साथ ही में रंगोलीज बनाई जाती है और काफ़ी टाइम पहले पेंट भी कर दिया जाता है, और साथ ही में 7 ऑब्जेक्ट्स जो S या फिर SH लेटर से स्टार्ट होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स एक टेबल पे रखे जाते हैं. ओके उन ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, सिरेक जिसे विनेगार बोलते हैं, स्यूमेक जो एक एक्सोटिक हर्ब होती है, एक बाहर की मतलब अपने देश की झाड़ी नहीं किसी दूसरे देश की होती है. ओके सर जिसे हम गार्लिक बोलते हैं. ओके लहसुन और सिब मीन्स की एप्पल होता है, सब्जी होती है जिनमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो, सीर होता है जिसे हम मिल्क भी बोलते हैं, शहद होता है जिसे हनी बोलते हैं, और एक श्रीनी नेम की एक स्वीट डिश होती है मीन्स की मीठी सी कोई डिश होती है. तो ये सब चीज़ें एक टेबल पे रखी जाती है. फिर उसके बाद क्या किया जाता है, लेट्स रीड दैट अहेड. फिर टेबल को डेकोरेट करके क्या किया जाता है, बिफोर द सनराइज, सनराइज हो उससे पहले मीन्स की सूर्योदय से पहले नवरोज के दिन द फैमिली सिट्स अराउंड द टेबल टुगेदर. जो टेबल डेकोरेट की है इतनी सारी डिशेज के साथ उसके चारों ओर फैमिली के मेंबर्स बैठ जाते हैं. ओके लाइट्स द कैंडल एंड सेज अ प्रेयर बिफोर द मील. वो क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं. ओके जो मोमबत्ती है उसको जलाते हैं, और साथ ही में जो मील है भोजन है, भोजन करने से पहले वो अपनी एक प्रेयर बोलते हैं. ओके गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स. उसके बाद क्या होता है, जो फैमिली मेंबर्स है वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, दे विश ईच अदर नवरोज मुबारक, और वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, नवरोज मुबारक. जिस टाइप से हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर तो उसी टाइप से ये बोलते हैं नवरोज मुबारक. ओके फिर क्या होता है, इन द मॉर्निंग दे गो टू द फायर टेम्पल. वो मॉर्निंग में फायर टेम्पल में जाते हैं. ओके टू ऑफर देयर प्रेयर्स, वहाँ पे प्रेयर बोलने के लिए. एज अ रूल, एक रूल है उसके अकॉर्डिंग मैन एंड चिल्ड्रन कवर देयर हैड्स विद स्पेशली डिजाइंड कैप्स. उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी मैन होते हैं फैमिली के और चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो हेड है सिर है उसको कवर करते हैं एक कैप से. ओके मीन्स की टेम्पल में जाने से पहले वो क्या लगाते हैं, कैप लगा लेते हैं एक. ओके वाइल द वुमेन यूज अ पार्ट ऑफ देयर सारीज, जबकि जो वुमेन होती है वो क्या करती है, अपना हेड कवर करने के लिए अपनी साड़ी का यूज करती है. ओके ईच पर्सन कैरीज अ सैंडल वुड, हर पर्सन एक क्या लेके जाता है, सैंडल वुड. ओके मीन्स की चंदन की लकड़ी विथ दैम टू ऑफर टू द फायर, जो फायर है उसमें डालने के लिए. ओके आफ्टर द प्रेयर्स आर ओवर, जब उनकी प्रेयर ओवर हो जाती है ना, दे हग एंड विश ईच अदर अ गुड ईयर अहेड. वो एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, और एक दूसरे को एक अच्छा ईयर आगे हो ये मुबारक करते हैं. ओके मीन्स कि एक दूसरे के लिए विश करते हैं कि आपका जो आने वाला साल हो, आने वाला जो ईयर हो वो अच्छा हो. ओके फिर क्या होता है, फूड इज बस इस टाइप से सेलिब्रेट हो जाता है. ओके अब क्या बताया जा रहा है आगे चैप्टर में, फूड इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल. जो फेस्टिवल है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, फूड. ओके बिकॉज जैसे कि आपने पहले रीड किया है चैप्टर में कि 7 ऑब्जेक्ट्स जो एस से स्टार्ट होते हैं वो सारे ईटिंग ऑब्जेक्ट थे, मीन्स कि वो सारा फूड से रिलेटेड था, है ना. विजिटर्स टू एनी हाउस आर ऑफर्ड स्वीट्स, अब किसी भी घर पे कोई भी विजिटर्स आते हैं मीन्स कि कोई गेस्ट आते हैं तो उनको क्या क्या ऑफर किया जाता है, मीन्स कि उन्हें क्या रखा जाता है, स्वीट्स मीन्स कि मीठी चीज़ें रखी जाती है, जैसे तो रवा. ओके अ स्वीट मिल्की ड्रिंक
एक स्वीट मिल्की ड्रिंक जिसे हम फलूदा बोलते हैं वो, ओके, बहुत पॉपुलर ड्यूरिंग नवरोज़। ये दोनों क्या है, नवरोज़ के समय पे ये दोनों पॉपुलर रहती है। क्या, कौन सी चीज़, एक तो रवा और एक फलूदा, ओके। रवा एंड फलूदा जो भी गेस्ट घर पे आते हैं उनको ऑफर किया जाता है, मीन्स कि उनको रखा जाता है, ओके। पीपल फीस्ट ऑन पुलाव, जो पीपल है वो क्या खाते हैं, इस दिन पुलाव खाते हैं, अ काइंड ऑफ फ्राइड राइस। ये पुलाव क्या होते हैं, एक फ्राइड राइस होते हैं, ओके, विथ सैफरन, जिनमें क्या डली होती है, सैफरन, सैफरन मीन्स केसर, ओके। फिश स्टीम्ड इन बनानाज लीव्स, और क्या खाते हैं पीपल, फिश खाते हैं जो बनाना की लीव्स के अंदर क्या होती है, स्टीम होती है, ओके। चिकन करी, चिकन करी खाते हैं, है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पीपल है वो नॉनवेज भी इस दिन खाते हैं, ओके। अब वो चिकन करी को किसके साथ खाते हैं, आलमंड के साथ, ओके, बादाम के साथ। प्लेन राइस एंड कुक्ड स्प्लिट ग्रीन ग्राम और मूंग दाल, वो प्लेन राइस खाते हैं किसके साथ, मूंग दाल के साथ, ओके, विद देयर फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑन दिस इम्पोर्टेंट डे। और ये सब चीज़ें वो किन के साथ खाते हैं, अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ, ओके। क्या क्या चीज़ें खाते हैं वे लोग, एक तो पुलाव खाते हैं, ओके, फिर फिश खाते हैं जो बनाना लीव्स में क्या होती है, स्टीम होती है, चिकन करी खाते हैं आलमंड के साथ, प्लेन राइस खाते हैं मूंग दाल के साथ, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। आज हमने ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसकी रीडिंग कम्प्लीट कर ली है। आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको एक कम्प्लीट चैप्टर नंबर 7 रीड करना है, जो आपको पेज नंबर 41 और 42 पे मिल जाएगा, ओके। मीन्स कि यू हैव टू रीड पेज नंबर 41 एंड 42, देन आफ्टर रीडिंग यू हैव टू ट्रांसलेट this chapter to the elder one in your family. That's it for today. See you in my next lecture.